आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल आरसी कार की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये रही वो कार, देखने में कार काफी ज्यादा यूनिक है। सिक्स व्हील्स इस कार के अंदर लगे हुए, पीछे की तरफ एक हेलीकॉप्टर भी लगाई गई है। यहाँ पर इसका कैमरा और LED सिस्टम भी लगाया गया है। आज मैं इस कार की फाइट कराने वाला हूँ दो बहुत ही यूनिक 6x6 आरसी कार के साथ। ये है वाटर प्रूफ 6x6 आरसी कार, ये है डिफेंडर रॉक रोलर 6x6 आरसी कार। इस कार के अंदर भी 6 व्हील्स लगाए गए। चलो गाइस फटाफट से पहले इन तीनों कार्स को करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं कौन सी 6x6 आरसी कार सबसे ज्यादा पावरफुल है। चलो गाइस लेट्स गो। इस तरफ हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के नीचे यहाँ पर दो कमांडो लटक रहे हैं। तो कार देखने में तो काफी ज्यादा सही है यार, लुक तो बहुत बढ़िया बना रखा है। तगड़े तरीके से टेस्ट भी करके देखेंगे कार कितनी ज्यादा दमदार है। पहले तो मैं इस कार को यहाँ से निकाल लेता हूँ। कार यार बहुत ही ज्यादा हल्की फुल्की है। ऊपर का ये जो हेलीकॉप्टर है, मेरे को तो लगा था कि इसको हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, पर देखो हेलीकॉप्टर को जो है यहाँ पर बुरी तरीके से इन लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है। इसको हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। पीछे का ये जो प्रोपेलर है बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है, ये प्रोपेलर सही तरीके से घूम रहा है। थोड़ा सा इसका ये जो एक साइड का प्रोपेलर है ये मुड़ चुका है, एकदम बेकार मेरे को लगा यार ये हेलीकॉप्टर, पता नहीं इन लोगों ने क्यों दे रखा है। पर कार का जो लुक है मेरे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। यहाँ पर देखो शॉक एब्जॉर्बर लगा रखे है। अच्छा तो इसकी जो मेन मोटर है यहाँ पर है, पीछे के ये व्हील्स भी वर्किंग में है, पर यहाँ पर कोई भी मोटर मेरे को नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है, सामने के व्हील्स के अंदर भी थोड़ा बहुत पावर मेरे को लग रहा है क्योंकि सामने भी एक मोटर इन लोगों ने दे रखी है। इस कार के साथ मिलता है इस तरह का रिमोट, एकदम बेसिक सा रिमोट है देखने में, पर इसका जो स्टाइल है ना काफी ज्यादा बढ़िया है। 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट दे रखा है। अगर दोस्तों आप इस कार को खरीदना चाहते हो, इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा। वेबसाइट के अंदर जैसे ही जाओगे इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से जाकर आप चाहे तो ये तीनों ही आरसी कार्स को खरीद सकते हो। मेरे को लगा था कि यार ये सच में कैमरा है, मैंने जब इसको गौर से देखा तो भाई ये कैमरा नहीं है, ऐसे इन लोगों ने लगा रखा है। यहाँ पर भी इन लोगों ने उल्लू बना दिया है पूरी तरीके से। बाकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है इस कार की, व्हील्स काफी अच्छे वाले लगा रखे, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें जो प्लास्टिक की ही यूज की गई है। अभी ये रही हमारी दूसरी वाली कार, देख सकते हो व्हाइट एंड ग्रीन कलर में कार बहुत ही ऑसम दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से रेसिंग रैली वाटर प्रूफ कार है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये IPX4 वाटर प्रूफ है। ये कार दो कलर में मिलती है, ग्रीन एंड ऑरेंज। मेरे पास जो है ग्रीन कलर वाली आरसी कार है। चलो यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी ज्यादा बिग साइज का रिमोट कंट्रोलर है। स्टीयरिंग भी काफी ज्यादा टेक्टाइल दे रखी है, 2.4 GHz का रिमोट कंट्रोलर मिल जाता है इसके साथ। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इससे भी ज्यादा सॉलिड मेरे को लग रही है गाइस। देखो डिजाइन तो बढ़िया है नो डाउट, ऊपर की तरफ लाइट जैसा कुछ डिजाइन है, अंदर ड्राइवर वगैरह भी बैठा हुआ है क्योंकि ये जो कार है पूरी तरीके से रैली आरसी कार है, इस वजह से इन लोगों ने इसको इस तरह से डिजाइन करके रखा हुआ है। नीचे देखो यार यहाँ पर हर एक व्हील के नीचे डबल सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे, हर एक व्हील के नीचे जो है एक्स्ट्रा मोटर भी मिल जाएगी। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर रबर कोटिंग कर रखी है। यार एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इसके अंदर जो बैटरी मिलती है वो मेरे को मिली नहीं यार, एक बार जो है मैं बॉक्स के अंदर ढूंढ लेता हूँ। अच्छा तो देखो बॉक्स के अंदर ये वाली बैटरी मिली थी, 3.7 वोल्ट 500 mAh की बैटरी मिली थी और बैटरी को चार्ज करने के लिए इस तरह का चार्जर भी मिला था। के अंदर आती है 4.8 वोल्ट की। ये रही तीसरी वाली 6x6 आरसी कार, डिफेंडर बोल के यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, पर ये जो कार TRX6 की क्लोन होगी मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि देखने में बिल्कुल उसी कार के जैसा इसका डिजाइन है। तो ऑलमोस्ट इसका जो साइज है ना उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा इन लोगों ने बना रखा है। अगर आप ये वाली कार को भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है तीनों ही आरसी कार्स का, अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो तीनों ही आरसी कार्स को खरीद सकते हो। ये देखो यार बॉक्स के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया है। इसकी पैकिंग जो है मेरे को दोनों कार से भी काफी बढ़िया लग रही है क्योंकि ऊपर एक और प्लास्टिक कवर भी इन लोगों ने दे रखा है। कार बहुत अच्छी तरीके से पैक होकर हम लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे लिखा है 6x6 ऑफ रोड क्लाइंबिंग बोलकर, हर एक व्हील के नीचे मोटर भी लगाई गई है और हर एक व्हील के नीचे डबल सस्पेंशन भी मिल जाता है। बैटरी कंपार्टमेंट इसका भी बहुत बिग साइज का है। तो इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, बिल्कुल अपनी जो वाटर प्रूफ कार थी 6x6 ग्रीन कलर वाली उसी तरह का रिमोट इसके अंदर भी मिल जाता है। दोस्तों तीनों ही कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है, तीनों ही कार्स की लेंथ बिल्कुल बराबर दे रखी है। ये दोनों कार्स थोड़ी सी बल्कि लग रही है पर ये थोड़ी सी पतली बनाई गई है ताकि हम इसको एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से कहीं पर भी चला सके। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से कौन सी कार है एकदम बढ़िया 6x6 आरसी कार। लेट्स गो एंड फाइट।
ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले टच करते हैं स्वैट 6x6 आरसी कार को। कार की लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी है, फिर भी इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम दे रखा है। स्टेबिलिटी भी बढ़िया दे रखी है, कार एकदम ठीक ठाक तरीके से चल रही है। अभी टच करते हैं रैली 6x6 आरसी कार को। ये कार का रिमोट मेरे को काफी सुपर्ब लगता है। देखो यार, ये कार की भी टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा कम है। ब्रेक लगा के भी देख लेते हैं, ब्रेक इसके ठीक ठाक तरीके से लगते नहीं यार। अभी टच करते हैं डिफेंडर 6x6 आरसी कार को। कार के अंदर एक दिक्कत है, जैसे ही मैं इसको टर्न करा रहा हूँ कार थोड़ा सा टिल्ट होने लगती है। ऐसा लगता है यार ये गिर ही जाएगी। बैलेंस इसका थोड़ा सा गड़बड़ा चुका है, बाकी कार की स्पीड बहुत मस्त है। चलो गाइस, पहले रेस कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों बराबर में ही चल रहे थे। स्वैट ने भाई साहब डिफेंडर को टेक ओवर करके आगे की तरफ निकल चुकी है। यहाँ पर क्लियरली स्वैट 6x6 आरसी कार जीत चुकी है इस रेस को। अभी रेस लगाते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। वापस से स्वैट आरसी कार आगे की तरफ निकल चुकी है। अभी दोनों के अंदर मैंने थोड़ा सा ही ट्रिगर दबा के रखा है। जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया भाई साहब, रैली 6x6 आरसी कार की स्पीड होकर मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी हरा देगी स्वैट आरसी कार को रेस में। ओके गाइस, पहले इन दोनों कार्स के बीच में पुशबैक कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों को देखो यार, मैं कीचड़ में यहाँ पर पुशबैक कराने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ चुके हैं यहाँ पर बुरी तरीके से। दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने में लगे हुए। अभी देखो यार, फुल पावर लगाकर डिफेंडर ने देखो यार अचानक से रैली आरसी कार को उठा के रख दिया सामने की तरफ से, और भाई साहब इसने इसको पटक के रख दिया कीचड़ के अंदर। सच में यार, डिफेंडर तो काफी ज्यादा पावरफुल कार निकली। अभी इन दोनों के बीच में पुशबैक कराते हैं गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। टक्कर काफी जोरदार थी दोनों के बीच में। यहाँ पर डिफेंडर चढ़ाई कर चुकी है स्वैट के ऊपर, और यहाँ पर बैलेंस खराब होने के कारण डिफेंडर अपने आप ही नीचे गिर गई है। क्लियरली यहाँ पर स्वैट 6x6 आरसी कार जीत चुकी है। तो अभी देखते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराकर, देखते हैं डिफेंडर अपनी हार का बदला ले पाती है यानी काफी आसानी से उसको घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पर स्वैट 6x6 आरसी कार कुछ भी नहीं कर पा रही है, यहाँ तक इसके ब्रेक्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं लग पा रहे। वापस से यहाँ पर जीत चुकी है डिफेंडर आरसी कार। अभी स्वैट 6x6 आरसी कार को ऑफ रोड में टेस्ट करके देखते हैं गाइस, क्या ये सच में 6-व्हील ड्राइव आरसी कार है या नहीं। यहाँ पर देखो, जैसे ही बड़ा पत्थर आया था इसके ऊपर से छलांग मार के निकल चुकी है। और थोड़ा सा आगे चलाते हैं, यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ है। देखो गाइस, यहाँ पर ये रुक चुकी है, इसके सिर्फ बीच के व्हील्स काम कर रहे हैं। सामने के व्हील्स और लास्ट के व्हील्स में बिल्कुल भी पावर नहीं आ पा रही है। अभी रैली 6x6 आरसी कार को टेस्ट करते हैं गाइस सेम जगह पर। ये प्रॉपर तरीके से 6x6 आरसी कार है। देखो गाइस, यहाँ पर बड़े पत्थर आने पर भी ये कार बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। देखते हैं यहाँ से क्लाइंब करके निकल पाती है यानी, ओ माय गॉड, 6 के 6 व्हील्स के अंदर पावर होने के कारण ये काफी आसानी से क्लाइंब करके निकल चुकी है। अभी सेम टेस्ट करते हैं डिफेंडर के साथ। ये देखो गाइस, इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा स्मूथ दे रखे। अभी मेरे को लगा था कि गाइस ये यहाँ से भी निकल जाएगी, पर यहाँ पर आकर ये रुक चुकी है। डिफेंडर और रैली आरसी कार जो है दोनों के अंदर 6 व्हील ड्राइव है। अभी तीनों ही आरसी कार्स को मैं दलदल में टच करने वाला हूँ। सबसे पहले स्वैट 6x6 आरसी कार को टच करते हैं। यार मेरे को तो लगा था कि ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, पर देखो गाइस काफी बढ़िया तरीके से चल रही है। गाइस यहाँ पर आके फंस चुकी है। अगर इसके फ्रंट व्हील्स और बैक के व्हील्स में भी पावर होती तो ये यहाँ से बढ़िया तरीके से निकल जाती। डिफेंडर को चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कार के अंदर मैंने हाफ ट्रिगर दबा के रखा है, फिर भी कार देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ से निकले जा रही है। बिल्कुल भी कहीं पर भी रुक नहीं रही है, इतनी ज्यादा पावर है इस कार के अंदर। देखो गाइस, यहाँ से जंप मारकर निकल चुकी है यार। ये होती है ट्रू 6x6 आरसी कार। अभी रैली 6x6 आरसी कार को भी सेम जगह पर टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से वाटरप्रूफ आरसी कार भी है। यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा आने के कारण ये फंस गई है। तो क्लियरली यहाँ पर विनर है डिफेंडर 6x6 आरसी कार। अभी तीनों आरसी कार की मैं आपको लाइट्स भी दिखा देता हूँ। स्वैट आरसी कार के अंदर देखो ऊपर की तरफ 2 LED लाइट्स लगाई गई है। डिफेंडर के अंदर प्रॉपर तरीके से हेडलाइट है, और रैली आरसी कार के अंदर भी प्रॉपर तरीके से इसकी लाइट्स काम करती है। तो दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको तीनों कार्स में से कौन सी 6x6 कार पसंद आई। चलो दोस्तों, अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है अकबर, बलवंत, रुमान, प्रेम, रविंदु, मुकेश, मसूद, जहरान, भाविश, अरहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।